तो चुनौतियां बढ़ गई हैं और बड़ी खबर मथुरा से है, जहां पर लगातार कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। आज फिर से 4 विदेशी महिलाएं कोरोना संक्रमित पाई गई हैं और विदेशी महिलाओं के संपर्क में आए लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। कल भी 4 विदेशी महिलाओं के साथ कुल 6 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, रसिया और लुसिनिया की रहने वाली ये विदेशी महिलाएं हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मथुरा आए विदेशियों की लिस्ट मांगी है और मथुरा वृंदावन में रह रहे विदेशी लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। तो मथुरा से इस बार परेशान करने वाली खबर आ रही है, 2 दिन में 8 विदेशी महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। हालांकि अब ये सुनिश्चित करना है, ये जांच करना है कि वेरिएंट आखिर इनमें कौन सा है, डेल्टा है या फिर अल्फा बीटा है या फिर जिसका खतरा सबसे ज्यादा है वो है। और चलिए पहले सीधे रुख करते हैं आगरा का। आगरा में नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आगरा का ही पड़ोसी जिला मथुरा है और जब पहले कोहराम मचा था पहले लहर में, आगरा सबसे बड़ा एपिक सेंटर हुआ करता था, किस तरीके से बवंडर मचा, लेकिन अब किस तरीके से इसको थामने की कोशिश हो रही है। बगल में ही मथुरा है और आगरा और मथुरा तो लोग जाते हैं, जो आगरा जाता है मथुरा जाता है, जो मथुरा जाता है वो आगरा जाता है। देखिए अवधेश, बिल्कुल, देखिए आगरा हो या मथुरा दोनों ही बहुत ही सेंसिटिव ज़िले हैं, क्योंकि दोनों जगह जो कहा जाए, चाहे इंडियन टूरिस्ट हो चाहे वो विदेशी टूरिस्ट हो, उसका फुटफॉल रहता है। और आगरा की बात की जाए तो आगरा में मोन्यूमेंटल टूरिस्ट रहता है, तो वहीं मथुरा और वृंदावन की बात की जाए तो यहाँ रिलीजियस टूरिस्ट बड़ी संख्या में आता है, धार्मिक पर्यटन होता है। तो कुल मिला के कहा जाए मथुरा इस समय सेंसिटिव बना हुआ है और मथुरा में अभी तक 8 विदेशी महिलाओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और जो शीतल छाया क्षेत्र है उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, वहीं युवक में भी पुष्टि हुई है। इसके साथ ही उनके सैंपल और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर जो बाकी 44 सैंपल हैं उनको लखनऊ भेज दिया गया है, जिनकी आज देर रात तक रिपोर्ट आने के लिए इस तरह की उम्मीद है कि रिपोर्ट आ सकती है। कुल मिला के कहा जाए इस समय मथुरा को इसमें लगातार प्रशासन इस पर मीटिंग लेना शुरू कर दिया है और इस बात की भी तस्दीक की जा रही है कि इस पूरे मामले में कि जो RT-PCR की जो रिपोर्ट की डिटेल के आधार पर यह तय होगा कि इसमें जो महिलाएँ कोरोना संक्रमित हुई हैं क्या वो नए म्यूटेशन है, उसमें नया वेरिएंट के आधार पर उनमें जो कहा जा रहा है जो ओमिक्रॉन आया है क्या उसकी पुष्टि हुई है या नहीं, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट से कई गुना खतरनाक ये नया ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है। तो इसमें कुल मिला के कहा जाए लगातार मथुरा की बात की जाए तो मथुरा के मंदिरों में ज़बरदस्त भीड़ उमड़ रही है, किसी भी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, किसी भी तरह के कोई भी जो प्रयास हैं लोग लगातार, एक बार लग रहा है कि लोग इसको भूल गए हैं कि कुछ महीने पहले जो त्रासदी आई थी और भयंकर कहा जाए मारकाट मची थी, लोग लगातार लोग बहुत ज़्यादा कहा जाए इसमें तूफान सा आया हुआ था, एक बार फिर से स्थिति आने की पूरी पूरी संभावना है। वहीं आगरा की बात की जाए तो आगरा में भी लगातार जितने भी ताजमहल हो या तमाम बड़े जगह हैं जहाँ है कैंट स्टेशन और दूसरी लहर के बाद क्या बदला है, चाहे हम ऑक्सीजन प्लांट्स की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बेड की बात करें, जो कंट्रोल रूम बनाए गए थे क्या उन पर अब निगरानी शुरू हो रही है कि तैयारियां मुकम्मल कर लें। देखिए बिल्कुल, इसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 जिलों को सबसे ज़्यादा सेंसिटिव बताया, जिसमें आगरा भी है, मथुरा भी है, प्रयागराज है, बनारस है और लखनऊ है, कानपुर। तो कुल मिला के कहा जाए मथुरा जहाँ विदेशी श्रद्धालु जो रुके हुए थे उनमें कोविड की पुष्टि हुई है। अब देखना यह है कि इसमें कौन सा वेरिएंट है, ये देखना। अगर जिस तरह से बिल्कुल सेंसिटिव जगह है, नितिन हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ गए हैं।